हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं और सागर चल रहे हैं कुछ एक बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बनने वाला है। तो हम लोग आज चलते हैं मुर्गा बनाते हैं और वो हांडी चिकन होगा और कुछ स्पेशल चिकन बनाएंगे मैं और सागर। तो चलिए पहले मुर्गा शॉप पे मुर्गा खरीद कर लाते हैं। तो सागर ये मुर्गा शॉप पे आ चुका है और यहाँ से हम लोग मुर्गा लेंगे क्यों सागर, और फिर मुर्गा हम लोग खरीद कर चलते हैं यहाँ से। फटाफट मुर्गा तोलवाते हैं और फिर चलते हैं। सागर ने चिकन ले लिया है तो चलो चलते हैं अब घर की तरफ, फिर इसको बनाते हैं आज मस्त हांडी चिकन। लटका नहीं सकते यहाँ लटका। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हो आपको इससे अनुमान लग ही गया होगा और बाकी आप हमारे टैगलाइन और डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिए होंगे कि हम आज आपको बना के दिखाने वाले हैं हांडी चिकन। तो दोस्तों ये हमारे पास एक था घड़ा जिसमें हम पानी पीते थे, तो चलिए हम इसमें बना के देखते हैं कि किस तरीके का चिकन बनेगा। तो हम शुरू करते हैं और इसके लिए कुछ हमें आग की ज़रूरत है, तो चलिए हम आग के तलाश में कुछ ईंट और लक्कर वगैरह लेकर आते हैं, फिर आपको हम बना के दिखाते हैं हांडी चिकन। तो दोस्तों हमें जलाना है आग, तो उसके लिए हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये ईंट जैसा कुछ दिख रहा है तो एक तो हम इसे यहाँ से निकालेंगे, तो चलिए इसको निकालते हैं। दोस्तों ये घेला वगैरह बड़े ही आराम से करना होगा कि यहाँ पे दो अंडे भी दिए हुए किसी चीज़ का। तो इसको हम निकाल लेते हैं और एक और ये निकाल लेते हैं। तो चलिए इस पे हम आग जलाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये फर्श बना हुआ है मार्बल का है पत्थर, तो हमें इस पे आग लगाना है। तो हमने दो टाइल इस तरीके का ले लिया है और इस पे कुछ कलाकारी करना होगा क्योंकि हमें आग जलाना है। तो चलिए हम मिट्टी डालते हैं इस पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने कुछ मिट्टी ले लिया है तो इसके नीचे थोड़ा सा मिट्टी डाल देते हैं, इसको पहले यहाँ से हटाकर ताकि हमारा ये जो पत्थर है ये गर्म ना हो। तो इस तरीके से तो ये मिट्टी डाल देंगे दोस्तों, तो हमारा मिट्टी डालने पे हमारा फर्श गर्म नहीं होगा। और हमने इधर तो मिट्टी डाल दिया है, थोड़ा इसके नीचे भी डालते हैं और फिर बाद में जब हमारा पक जाएगा तो हम फिर मिट्टी हटा लेंगे यहाँ से। तो पहले बहुत ध्यान से करना होता है, गांव वगैरह में तो मस्त से ज़मीन पे बना ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हा नहीं है हमारे पास उस तरीके का, तो हम मिट्टी का जुगाड़ करके। दोस्तों ये ब्लॉग बहुत ही मस्त बनने वाला है तो आप पूरा इस ब्लॉग को देखें लास्ट तक। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है और हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मिट्टी डाल देते हैं। ये देखिए जितना दूर आग होगा उतनी दूर हम यहाँ पे मिट्टी ऐसे डाल देते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट फर्श वगैरह गर्म ना हो। तो इस तरीके से हम मिट्टी डाल देते हैं और हम यहाँ पे लगाएंगे दो तीन ईंट। तो दोस्तों ये देखिए हमने दो तीन ईंट लिया है यहाँ से, तो चलिए हम इसको चूल्हे टाइप का बना लेते हैं। तो एक हमने यहाँ रख दिया है, दूसरा इसको यहाँ रख लेते हैं और एक तीसरा इस पीछे इस तरीके से लगा देते हैं और हम इसमें अब आग जलाएंगे। थोड़ी मिट्टी को हम फैला लेते हैं अच्छे से क्योंकि यहाँ पे हमारा आग जलने वाला है। थोड़ी मिट्टी और डाल देते हैं ताकि गर्म ना हो ज़्यादा हमारा। तो दोस्तों इतना काफ़ी है, तो ये देखिए हमारा ये चूल्हा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ये जो हमारा मटका है इसको इस पर डालकर देखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब एडजस्ट है, अब हम नीचे इसको सीधा करके ऐसे यहाँ पे आग जलाकर देखेंगे। तो दोस्तों इसको अपने अनुसार हम सेट कर लेंगे आगे पीछे कर कर। तो चलिए हम अब लक्कर की ज़रूरत लक्कर ढूंढ के लाते हैं ताकि हम इसमें आग जलाएँ और फिर बनाएँगे मज़ेदार चिकन। दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, चूल्हे पूरब मुँह का होना चाहिए तो हमने थोड़ा गलत दिशा में बना लिया था। तो चलिए बस इसको घुमा लेते हैं, बस इसको इस साइड हम घुमा देते हैं। तो
ये देखिए आप, हम कैसे इसको घुमाते हैं, आप देखते रहिए। तो हमने इस तरीके से इसको घुमा लिया है बस, क्योंकि सुनने में आया कि दिशा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए कोई ना, हमको इसको ऐसे घुमाकर अब हम इस पर यहाँ मटका डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम लक्कर कुछ लाते हैं उसकी तलाश में। तो चलिए लक्कर लाते हैं, लक्कर की तलाश में हम चलते हैं थोड़ा छत पे और देखते हैं वहाँ पे कुछ लक्कर मिल जाए हमें। तो देखते रहे आप हमारा ब्लॉग पूरा। तो देखिए दोस्तों, ये हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे ढेर सारा लक्कर यहाँ पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से कुछ लक्कर ले लेते हैं ताकि इस लकड़ी से हम आसानी से हमारा आग का जुगाड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से ये सब लेकर और चलते हैं और फिर बनाते हैं अपना हांडी चिकन। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमने यहाँ ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा कर लिया है और हमारा चूल्हा भी यहाँ बनकर अब तैयार है। तो चलिए हम आग जलाते हैं और बनाना शुरू करते हैं चिकन। दोस्तों हमने कुछ यहाँ मटका जलाने से पहले प्याज को छील लिया है और यहाँ हमने चिकन लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट प्याज को पहले काट लेते हैं छोटा छोटा पीस और फिर हम मटका को जलाते हैं। तो प्याज काटने में मुझे लगेगा लगभग 2-3 मिनट, तो फटाफट प्याज काटते हैं इसमें। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार चिकन बनने वाला है और इस लोकेशन में बनाने का अलग ही मज़ा है। आपको प्याज सारा काट के आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा पूरा प्याज कट चुका है, इस तरीके से बारीक काट लें। तो चलिए हम लहसुन वगैरह भी छीलकर और अब हम अपना आग को चालू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ चूल्हा अब जलाते हैं। तो हमारा आग बिल्कुल जलकर अब तैयार है और ये देखिए मटका गर्म हो रहा है। तब तक हम चिकन को चलिए धुल लेते हैं, फिर हमारा ये प्याज बिल्कुल कट के तैयार है। तो ये रहा हमारा चिकन, तो हम इसको अच्छे पानी से बढ़िया से धुल लेते हैं। चलिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप चिकन को बहुत अच्छे से धुल लें ताकि आपके चिकन में कोई भी गंदगी हो तो वो बढ़िया से धुलकर साफ हो जाए। तो दोस्तों हम चिकन को अच्छे से धुल लेते हैं, इस तरीके से आप धुल लें 2-3 पानी से। तो धुलकर फिर हम आपको बताते हैं आगे। हमने चिकन को अच्छे तरीके से धुल लिया है और हमारा ये जो हांडी है भी गर्म हो गया है। तो चलिए हम इसमें अब तेल डालते हैं और तेल को गरम करके ये जो हमारा प्याज है फ्राई करते हैं, मसाला गरम मसाला डालकर। तो हम इसमें डालते हैं तेल क्योंकि हांडी हो चुका है गरम। तो तेल थोड़ा गरम हो जाता है, फिर हम डालते हैं इसमें गरम मसाला तेज़पत्ता और फिर प्याज को करते हैं फ्राई। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तेल भी अब गर्म हो चुका है
तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं जीरा और देखते हैं कि, तो थोड़ा सा जीरा डाले हैं, बाकी मसाला हम अभी डालते हैं, सारा गरम मसाला भी डालेंगे, फिर प्याज लहसुन जो हमने काटा है सबको डालकर हम करते हैं अच्छे से फ्राई। तो चलिए दोस्तों, हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और हम इसमें बाकी सारे गर्म मसाला डाल दिए हैं, तो अब हमारा टाइम है कि हम इसमें प्याज डालें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारा प्याज इसमें डाल दिया है, तो पहले हम प्याज अच्छे से भून लेते हैं और अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं ताकि हमारा प्याज गल जाए, फिर हम इसमें मिलाएंगे चिकन, जो हमारा चिकन, ये चिकन है, इसको हमने धो रखा है अच्छे से, तो थोड़ा हमारा, जब हमारा प्याज गल जाता है फिर हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे। दोस्तों हम थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा प्याज अच्छे से गला है कि नहीं। तो हमारा प्याज जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको चला देते हैं। और हल्का जब तक ब्राउन नहीं होता है तब तक इसको पकने देते हैं। तो फिर से हम इसको ढक देते हैं दोस्तों और थोड़ा सा और हम वेट करते हैं। दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट बनने वाला है ये हांडी चिकन, तो आप बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। हम आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप हांडी चिकन बनाओगे अपने घर पे बहुत आसानी से। दोस्तों गैस पर का चिकन तो आप बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक तो हांडी चिकन और प्रॉपर आग जलाकर लक्कर का है ये, तो इसका टेस्ट अलग ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाते हैं किस तरीके से आप बना सकते हो। हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहे, ये हांडी चिकन बना रहे हम। दोस्तों ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे भाप से आपको सही से नहीं दिख पा रहा, तो ये देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ प्याज ब्राउन हो गया। तो चलिए अब हम इसमें चिकन को ऐड करते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब थोड़ी देर तक दोस्तों भूनते रहना है। तो चलिए हम थोड़ी देर इसको भी ढक देते हैं ताकि हमारा चिकन है वो गल जाए। तो दोस्तों वो देखिए यहाँ पे हमारा बन रहा है हांडी चिकन, तो जब ये बन जाता है दोस्तों काफ़ी टेस्टी बनने वाला है, तो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करते रहेंगे और चलिए हम देखते हैं कि हमारा चिकन पानी छोड़ा है कि नहीं। तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ रखा है, आपको नज़दीक से हम दिखा रहे हैं। तो इसका पानी हमको इसी में सुखाना है और जब थोड़ा हमारा चिकन हल्का बॉयल हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा और बॉयल कर लेते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों अब हमारा चिकन लगभग हल्का सा पक चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे मसाला। तो हमने यहाँ पे कुछ मसाला तैयार कर रखा है, ये देखिए ये है हमारा जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है, तो हम पहले इसको इसमें ऐड कर देते हैं सारा और इसके बाद इसी में हम बाकी मसाला, जैसे देख लीजिए आप ये है हमारा हल्दी, तो हल्दी वगैरह सब हम इसमें इतना लगभग आप हल्दी डाल देंगे। और ये देखिए इतना लाल मिर्च और धनिया। तो दोस्तों ये देखिए हमने हल्दी
धनिया और मिर्च सारा इसमें मिक्स कर लिया है। और चलिए हम इसमें ऐड करते हैं और इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको मिला लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए डाल लें ताकि हमारा सारा मसाला जले नहीं और बढ़िया से मिक्स हो जाए। बाकी आप बिना पानी का भी डाल सकते हो। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे दोस्तों, नमक बाद में डालेंगे। तो इसको मसाले को मिक्स कर लिया और ये हमारा चिकन मसाला था, इसको भी हम लास्ट में मिक्स करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसको ऐड करते हैं। इसको बढ़िया से मिला देना है दोस्तों ताकि ये अच्छे से हमारे चिकन में मिल जाए। अब हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और पानी को बिल्कुल जब तक सूखेगा नहीं तब तक हम इसको थोड़ी देर तक गर्म करते रहेंगे, क्योंकि चिकन का जो भी पानी छोड़ा है पहले हम इसको सुखा लेते हैं। जब हमारा पानी बिल्कुल सूख जाए दोस्तों तब आप इसमें नमक को ऐड करेंगे। दोस्तों काफ़ी लेट हो चुका है, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे चिकन के इंतज़ार में खड़े हैं ताकि इस सबको चिकन खाने को मिले। और अभी हमारा हांडी चिकन बनता है तो हम इस सारे बच्चे को खिलाएंगे। तो चलिए हम फटाफट हांडी चिकन बनाते हैं। हमारा हांडी चिकन बन रहा है, मजे से खाएंगे मजे से खाएंगे। हमारी मोटू पतलू की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा अंधेरा हो चुका है तो अंधेरा में अब हम चिकन बना रहे हैं। बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। अभी कुछ टाइम और लगेगा तो लास्ट तक हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से चिकन बनता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा लगभग पानी सूख चुका है। तो दोस्तों ये देखिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं, अब लगभग इतना नमक हम डाल रहे हैं होगा 2 से 3 चम्मच होगा। तो चलिए हम नमक को ऐड कर लेते हैं इसको और इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा कम कर सकते हो। तो दोस्तों हमने नमक को ऐड कर लिया है और बढ़िया से मिक्स कर लिया है ये देखिए। तो चलिए अब टाइम आ गया कि हम इसमें चिकन मसाला ऐड करें। तो ये हमारा एवरेस्ट का चिकन मसाला है तो हम इसको बढ़िया से ऐड कर देते हैं। आप एक ये जो 5-6 रुपये का आता है पाउच, 2 kg हमारा चिकन है तो इसमें हम पूरा एक पाउच गरम चिकन मसाला ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स करते हैं। आप ध्यान रखें कि आपका ये जो आग है तो पूरा प्रॉपर आग आता रहे और फिर हम इसको ऐड करते हैं। और अब थोड़ी देर में 10 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे और हमारा चिकन बनकर बिल्कुल तैयार होगा। तो चलिए अब बनता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा गरम मसाला बस डालना है इसमें तो चिकन बनके तैयार है। ये देखिए दोनों बच्चे बिल्कुल कब से ताक में है कि चिकन कब बनेगा और कब ये लोग खाएंगे। क्यों बच्चों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है और बहुत जल्द अब तुम लोगों को चिकन मिलेगा। देख लीजिए इस बच्चे लोग को धुआं भी लग रहा है, लेकिन ये लोग बहुत इंतज़ार में है कि चिकन मिलेगा इस लोग को। तो चलिए अब हम निकालते हैं चिकन। तो दोस्तों चलिए बच्चों के लिए हम चिकन निकालते हैं, हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। तो ये हम देंगे बच्चों को खाने के लिए। दोस्तों काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है इससे, लजीज चिकन बनके तैयार है मोटू और पतलू के लिए। तो ये हम इस तो ये बच्चों के लिए हमने चिकन निकाल लिया है। और अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारे लिए सही है? थैंक यू मामा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें चावल के साथ भी खाना है। तो दोस्तों हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमें ग्रेवी थोड़ा सा बन जाएगा। तो अब हम पानी ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं
और फिर हम थोड़ी देर में इसको 5 मिनट बाद उतार के अब इसको हम चावल के साथ खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें गरम मसाला को ऐड करते हैं क्योंकि हमारा चिकन बिल्कुल बनकर अब तैयार है। तो यहाँ हमारे पास कटोरी में थोड़ा सा गरम मसाला है, तो हम गरम मसाला ऐड करते हैं और चिकन को करते हैं बंद और हम चलते हैं इसको खाने। तो देखिए दोस्तों, हमारा हांडी चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। काफ़ी अंधेरा हो गया है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में अच्छा से। तो अभी हम खाएंगे तो आपको दिखाते हैं। हमारा हांडी चिकन बिल्कुल बनकर बढ़िया से ग्रेवी बनाया हमने इसमें। और तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है, अब हम आग को इसको करते हैं बंद। तो अभी हम खाते हुए भी दिखाएंगे आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और तो बच्चों, कैसा लगा तुमको ये हांडी चिकन? तो दोस्तों ये देखिए, दोनों बच्चों को अब चिकन बनकर बिल्कुल हमने इसको दिया है खाने के लिए। और ये दोनों झगड़ झगड़ के खा रहे हैं। हाँ पीयूष, तो तुम्हें कैसा लगा चिकन? हाँ तो मोटू और पतलू ऐसे नहीं करते। ये देखिए दोस्तों, ये लोग बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे चिकन को। अरे भाई, दो दे दे। ये सागर तो बिल्कुल ही चिकन छोड़ नहीं रहा, लगता है सारा चिकन यही खाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करें वीडियो को। और आज के लिए इतना ही। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, बाय। मैं तो पसीने छूट गए ऐसे में अभी खा खा के। नीचे भी देख आए थे। सागर, तुम बिना रोटी और चावल के क्यों खा रहे हो? ये ज्यादा अच्छा लगता है। तरी छोड़ दिया।